बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान और सजाना विद अतीका। एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, एक डो हम तैयार करेंगे और उस एक डो से हम डिफरेंट तरह के पांच पराठा जो है वो तैयार करेंगे। डो को हमने गूंदना भी नहीं है और पराठे हमें रोल भी करने नहीं पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं बहुत ही आसान सा पराठा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। एक कप के करीब हम इसके अंदर नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। एक कप के करीब इसके अंदर मैदा जाएगा। एक कप के करीब हम इसके अंदर गंदम का आटा डालेंगे। उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ही चिली फ्लेक्स ली हैं और 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसके अंदर ज़ीरा जो है वो ऐड करूँगी। एक अदद अंडा जो है वो हमने इसकी डो में डालना है, दूसरा अंडा मैंने इसकी टॉपिंग के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले हम एक अंडा इसमें ऐड कर देंगे और ये 1 कप के करीब मैदा इसमें चला जाएगा। ये आटा भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो आप सिर्फ गंदम के आटे से भी इसको बना सकते हैं और अगर चाहें तो सिर्फ आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं। इसके अंदर ये 1 कप के करीब नीम गर्म दूध हम ऐड कर देंगे। अगर हमें लगा कि दूध इसके अंदर कम है तो फिर हम इसके अंदर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ इसको गूंद लेंगे। नमक और काली मिर्च भी इसमें चली जाएगी और इसके अलावा मैं ये तीनों चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसका फ्लेवर बहुत ही सिंपल रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल ही करें, बाकी चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये डो जो है वो काफ़ी हार्ड सी है, तो अब हम इसके अंदर ये 1 कप के करीब नीम गर्म किया हुआ पानी है उसको भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसके मिक्सचर को, डो को मिक्स करना है कि इसके अंदर किसी किस्म का लम्प्स वगैरह ना रह जाए। आप चाहें तो आप हैंड बीटर से भी इसको कर सकते हैं, इमर्जन ब्लेंडर से भी, या ब्लेंडर के अंडर डालकर भी इस मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं। हैंड बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि किसी किस्म का लम्प्स इसके अंदर ना रहे। जी तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल लम्प्स फ्री बैटर जो है वो तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से ये टपकने वाली कंसिस्टेंसी इसकी आपके पास होनी चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी आपके पास होनी चाहिए। ये तो होगी हमारे पास सादे पराठे की डो जिसको हमने तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको सादा पराठा तैयार कर कर बताऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने टॉपिंग या फिलिंग पराठे के अंदर जो भी करनी है वो किस तरह से करनी है। लेकिन कोई भी पराठा आपने बनाना है तो ये वाली डो आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। ये आपको बेसिक स्टेप मैंने बता दिया है, तो चलें स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। पराठा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल पैन के अंदर डालना है। इतना ऑयल हो कि बस आपका पैन जो है वो हल्का सा इससे ग्रीस हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा हमें इसके अंदर डालकर इस पूरे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। और अब हम इसके अंदर पराठे का बैटर जो है वो तैयार करेंगे। पराठे का बैटर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने मेजरिंग कप लिया है और मैं मेजरिंग कप से इसके अंदर ऐड करूँगी और ये 1/3 कप के करीब जो है वो मैं बैटर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1/3 कप के करीब इसके अंदर जो है बैटर तैयार कर दिया है। इसको इस तरह से करते हुए हमने थोड़ा सा फैला लेना है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम आपकी बिल्कुल लो हो। जब आपने पैन के अंदर बैटर को डालना है तो आपका पैन गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब आप बैटर उसके अंदर पोर करेंगे तो वो एक ही जगह पर गर्म होगा तो वो वहीं पर लग जाएगा। इस तरह से पैन के अंदर फैलेगा नहीं और फ़ौरन ही जलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। जी तो ये देखें, इस तरफ से ये इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, हल्का हल्का ये कुक हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। जब तक ये ऊपर से पक ना जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, आपने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। इस तरह का कलर आ जाएगा और फ्लेम को अब हल्का सा तेज़ कर दें और इस तरह से प्रेस करते हुए आप इसको कुक कर लें। जब ये हल्का सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो तब आपका पराठा जो है वो रेडी है। कितनी आसानी से आप देखें कि ये पराठा जो है वो तैयार हो जाता है। आगे रमज़ान आने वाला है, सहरी के अंदर अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस तरह से ये पराठे तैयार कर कर बहुत आसानी से इनको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं।
ये देखें दूसरी तरफ से भी कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये लग रहा है जी। तो ये तकरीबन कुक हो चुका है, इसको अब मैं उतार लूँगी। और एक बात ना आपने ध्यान रखना है कि दूसरा पराठा जब आपने इसके अंदर ऐड करना है तो आपका पैन जो है वो ठंडा होना चाहिए। और मैं इसको निकाल लूँगी, ये देख सकते हैं। तो पैन को हमने ठंडा कर लिया है, अब हम बनाएंगे फ्लेकी पराठा। उसके लिए भी हमने बिल्कुल इसी तरह से हल्का सा ऑयल पैन के अंदर डालकर उसको ग्रीस कर लेना है। 1/3 कप के करीब ही मैं बैटर इसके अंदर पोर करूँगी। ये बैटर मैंने इसके अंदर पोर कर देना है। बैटर इसके अंदर पोर करने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसके अंदर इस तरह से स्पाइरल्स बना लेने हैं। अच्छे दार पराठे के अंदर वो फलों वाला पराठा बनता है, बिल्कुल हम इसी तरह से इसकी फॉर्म जो है वो तैयार कर देंगे। ये देखें अब ये कुक होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही ये कुक होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको छोड़ दें और इसको कुक होने दें। ये देखें एक साइड से वो कुक हो चुका है, इसके ऊपर मैं हल्का हल्का ऑयल जो है वो ऐड कर दूँगी। और ये देखें इस तरह से हम इसके साइड को चेंज कर देंगे। इसको भी इसी तरह से हम हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और इसको भी कुक कर लेंगे जब तक इसके ऊपर भी खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता जी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा बल वाला पराठा भी हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम तैयार करते हैं अंडा पराठा। लेकिन उससे पहले आपने अपने पैन को ठंडा करना नहीं भूलना जी। तो चले आए तैयार करते हैं अब हम अंडा पराठा। और उसके लिए भी पैन के अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक डो हमने तैयार की है और उससे हम कितने मज़ेदार से कितनी डिफरेंट टाइप्स के पराठे जो है वो तैयार कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं फिर अगेन 1/3 कप के करीब बैटर जो है वो पोर करूँगी। जी तो ये देखें अंडा पराठा बनाने के लिए ये पराठा जो है वो एक साइड से कुक हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है कि अंडा तोड़ कर इसके ऊपर ऐड करेंगे, डाल देंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी नमक और काली मिर्च ऐड कर दी है और चम्मच की मदद से हम अंडे को पूरे पराठे के ऊपर फैला देंगे। अंडे को फैलाने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर दोबारा से ऑयल ऐड करेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम लो कर देना है। जैसे ही अंडा थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से इसको दबाते हुए प्रेस करते हुए पराठे को हम दोनों तरफ से कुक कर लेंगे। ये देखें कि पराठे के ऊपर किसका तो खूबसूरत कलर आ गया है। और दूसरी साइड से भी आप देखें कि अंडा जो है वो भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। जी तो अब हम तैयार कर लेते हैं गार्लिक पराठा। ये जो बैटर हमारे पास बचा था इसमें से मैं हाफ गार्लिक पराठे के लिए इस्तेमाल करूंगी और हाफ जो है उसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिंग जो है वो ऐड करके वो पराठा तैयार करेंगे। गार्लिक पराठा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ लहसुन ले लूँगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया और सब्ज मिर्च ऐड करूँगी। और इसमें से जितने गार्लिक पराठे आपने बनाने हैं उतना बैटर जो है वो आप इस प्याली के अंदर निकाल लें। मैं तकरीबन 1/3 कप के 3 कप जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी नमक और काली मिर्च। अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुनासिब खानी है तो इसके अंदर बिल्कुल बेहतर है। इसके अंदर ये बैटर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको मिक्स करके हम साइड पर रख देंगे और ये जो हमारे पास बैटर बच गया है इसके अंदर हम कटी हुई मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और टमाटर ऐड कर देंगे। इसके अलावा भी आप इसके अंदर अपनी फेवरेट टॉपिंग जो है कुछ भी आपको पसंद हो, मशरूम्स, कैप्सिकम या फिर ऑलिव्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और सबसे पहले गार्लिक पराठा तैयार करेंगे। जी तो देखें पैन को हमने ग्रीस कर लिया है। अब गार्लिक पराठे वाला बैटर जो था वो मैं 1/3 कप के करीब भी इसके अंदर डाल दूंगी और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पहले पराठे हमने तैयार किए थे लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, इस पर ऑयल डालेंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और उसी तरह हल्का हल्का इसको प्रेस करते हुए हम कुक कर लेंगे जब तक इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता जी। तो देखिए कितने खूबसूरत कलर के साथ हमारे पास काली पराठा जो है वो भी रेडी हो चुका है। इसको भी हम निकाल लेते हैं और पैन को मैंने ठंडा कर लिया है और इसे ग्रीस करेंगे और इसके अंदर ये बैटर चला जाएगा।
बैटर के अंदर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक मज़ीद नमक और मिर्च जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक उतनी ही रहने दी थी, उससे ज़्यादा नहीं की। ये बैटर इसके अंदर पोर हो गया और बस इसी तरह से जिस तरह से मैंने बाकी पराठा कुक किए हैं इसको भी मैं कुक कर रही हूँ। जी तो ये देखेंगे लास्ट वाला पराठा भी हमारे पास रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर इसके ऊपर भी आ चुका है, इसको भी अब हम निकाल लेंगे। जी तो ये देखें, हमने ज़रा सी डो बनाई थी, लिक्विड डो, और उस लिक्विड डो से माशाल्लाह 5 डिफरेंट तरह के हमने पराठे जो है वो तैयार किए हैं, और टोटल 8 पराठे मैंने इस डो से तैयार किए थे। 1/3 कप की मेजरमेंट के हिसाब से 8 पराठे मेरे पास जो थे वो तैयार हो चुके थे, और सभी बहुत मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत पराठे जो थे वो तैयार हुए थे। बहुत ही सिंपल है इनको बनाना और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। बिल्कुल ये फील नहीं होता कि आपने आटा गूंदे बगैर ये पराठे बनाए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगर रमज़ान आने वाला है, सहरी में आप आसानी से इनको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ भी आप चाहें तो आप इनको एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।